ये तस्वीरें हैं करनाल के कलस्वरा गांव की, जहां सेना का एक ट्रक फंसा हुआ नजर आ रहा है। बता दें यहां बाढ़ ग्रसित एरिया में बचाव कार्य लगातार जारी है। यहां एनडीआरएफ और भारतीय सेना लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। जहां पर भी लोगों को जरूरत के सामान की आवश्यकता है, वहां पर भारतीय सेना अपने ट्रक के माध्यम से या फिर बोट के माध्यम से पहुंचा रही है। करनाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जब सेना के जवान अलग अलग गाँव में जाकर लोगों की मदद करने के बाद वापस कलस्वरा गाँव की ओर आ रहे थे, तब अचानक एक हादसा हो गया। इस हादसे में भारतीय सेना का ट्रक फंस जाता है। सेना के दो ट्रक थे जिसमें सेना के जवान, ग्रामीण और अधिकारी बैठे थे। एक ट्रक तो आगे बढ़ता गया तो वहीं दूसरा ट्रक जो पीछे था वो सड़क से नीचे उतर गया और पानी और मिट्टी में फंस गया, क्योंकि गांव में पानी काफी ज्यादा था जिसके कारण सड़क नजर नहीं आ रही थी और सड़क नजर न आने के कारण ट्रक बुरी तरह से फंस गया। ये ट्रक तकरीबन 20 मिनट तक यहां पर फंसा रहा जिसमें भारतीय सेना के जवान और एसडीएम मौजूद थे। लेकिन यहां मौजूद किसानों ने भारतीय सेना के ट्रक को देखा और फिर ट्रैक्टर के माध्यम से बांधा और वहां बाहर की ओर खींचने लगे। लेकिन किसानों की पहले तो सारी कोशिश नाकाम रही, लेकिन उसके बाद किसानों ने हार नहीं मानी। वे 3 ट्रैक्टर लेकर आए और फिर भारतीय सेना के ट्रक पर रस्सी बांधकर उसे बाहर की ओर खींचने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद सेना के इस ट्रक को बाहर निकाला गया और इस दौरान ट्रक में मौजूद हर शख्स सुरक्षित रहा। इस दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज ये अपना मिलिट्री का गड्डी दस गए जिसमें एसडीएम साहब भी बैठे हुए थे। एसडीएम साहब भी थे जिसमें, जो गड्डी मुंजी मरने से बच गई तो ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाले। ट्रैक्टर के जरिए से बाहर निकाले गए जी। कौन सा गांव है, क्या स्थिति है? तो पानी काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा जी। पानी तो बहुत ही दो जगह से पटरी टूट गई है। तो ये किसका ट्रक है सर? ये ट्रक तो अपना इसका जवान है जी, मिलिट्री वाले जवानों का जी। कौन कौन बैठा था इसमें? इसमें एसडीएम साहब भी थे और हम भी थे जी। इसमें 400 आदमी सवार थे कम से कम। यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है और पानी की वजह से सड़क टूट चुकी है और आर्मी वाले रेस्क्यू के लिए आए हैं, उनकी गाड़ी भी यहाँ पर फंसी हुई है। तो कितने एक जवान है इसके अंदर? इसके अंदर लगभग 20 जवान के आसपास है। आर्मी की और भी गाड़ियाँ आई है रेस्क्यू के लिए यहाँ। तो ये आर्मी का फंस गया है ट्रैक्टर? हाँ जी सर। क्या किसके जरिए निकालने का प्रयास किया जा रहा है? ट्रैक्टर के जल्दी जरिए निकालने का प्रयास किया जा रहा है सर। तो क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल अभी सर? बस क्या परेशानी की स्थिति बनी हुई है। तो सुना आपने, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो भी किसी तरह से किसी समस्या में फंसे हुए नजर आ रहे हैं तो ग्रामीण और किसान उन्हें भरपूर सहयोग दे रहे हैं। आपका इस मसले पर क्या सोचना रहेगा, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगड़ा की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।